Hello, students. I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bhagpur. Student, today here we go with chapter 8 of English main course book of class 6. The title of the chapter is Mystery at Sea. Student, this is a very. So, it was the first part. Now we are going to explain the part second line by line. So please pay attention here. So स्ट्रेंड्स two days passed. अब जो तीन दिन की बात तय हुई थी तीन दिन पहले ही तय हो चुके थे कि भाई तीन दिन रुकना है अगर तीन दिन में वो मॉन्स्टर वो जो दैत्य है जो राक्षस है समुद्री राक्षस है, जो है अगर वो मिल जाता है कहीं तो ठीक है वरना हम तीन दिन बाद जो है वो वापस चले जाएंगे और जाना मजबूरी भी थी क्योंकि उनका जो राशन था वो भी अब ख़त्म होने वाला था और बिना राशन के और पानी के कैसे जिंदा रहते हो तो टू डेज़ पास्ट विदाउट अ साइन ऑफ द मोस्टर अब सी मोस्टर देखना तो बात दूर उसका कोई निशानी भी उसका कोई साइन उसका कोई सिंबल भी देखने को नहीं मिला दो दिन तक धीरे धीरे दो दिन भी गुजर गए ऑन द थर्ड डे और अब तीसरे दिन क्या हो रहा था एट एट इन द इवनिंग शाम के आठ बजे यानी कि तीसरा दिन भी पूरी तरीके से जा चुका था और रात के कितने बज चुके थे आठ यानी कि तीसरा दिन भी अब पूरा हो चुका था तो तीसरा दिन पूरा हो चुका था आठ बज चुके थे तो प्रोफेसर एरोनेक्स स्टूड लुकिंग आउट टू तो सी विद दिस विद हिज असिस्टेंट अब प्रोफेसर एरोनेक्स जो है वो खड़े हुए थे लुकिंग आउट और वो बाहर की तरफ देख रहे थे टू सी समुद्र की तरफ विद हिज़ असिस्टेंट असिस्टेंट मीज क्या होता है सहायक अपना जो सहायक असिस्टेंट होता है एक हेल्पर जो होता है मदद करने वाला सहायक तो एक मदद करने वाला जिसका नाम कौंसियल था उसके साथ वो बैठे हुए थे बातें कर रहे थे और द मून वाज लो जो चंद्रमा था वो भी काफ़ी नीचे निकला हुआ था ऑन द हॉरीजन हॉरीजन में सो होता है क्षतिज क्षतिज यानी कि ऐसी जगह जहाँ समुद्र और आकाश मिलते हुए नज़र आते हैं सच टाइप ऑफ प्लेस आर कॉल्ड हॉरिज़न तो समुद्र भी समुद्र के काफ़ी शतीज के काफ़ी नज़दीक था चंद्रमा एंड द सी वाज काम और समुद्र जो था वो बिल्कुल शांत था यानी कि उसमें कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी अब काउंसिल उनसे बातें करता है किससे प्रोफेसर एरोनेक्स से वो कहता है वेल सर सैड काउंसिल काउंसिल ने कहा इट लुक्स ऐसा लगता है एज़ इफ वी विल हैव टू रिटर्न एम्पटी हैंडेड कि इस बार तो शायद हमें रिटर्न वापस लौटना पड़ेगा एमपटी हैंडेड एमपटी हैंडेड यानी कि खाली हाथ तो वो कहता है कि अपने प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर साहब इस बार तो शायद ऐसा लगता है कि हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा क्योंकि हमें मुझे नहीं लगता कि अब कहीं मॉन्स्टर दिखाई देगा वो समुद्री राक्षस जिसकी खोज में हम आए हैं वो अब कहीं दिखाई देगा तो प्रोफेसर रिप्लाई क्या करते हैं यस हाँ रिप्लाईड प्रोफेसर प्रोफेसर भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है आई विल लुक बिट ऑफ अ फूल नाउ कि मैं भी एक बेवकूफ़ जैसा दिखूंगा, वॉन्ट आई है ना क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी अभियान में हिस्सा लिया है मैंने हर जगह विजय हासिल की है जीत हासिल की है लेकिन ये ऐसा मिशन होगा जहाँ मैं पहली बार खाली हाथ वापस लौटूंगा तो मैं बिल्कुल एक बेवकूफ़ के समान दिखाई दूंगा। अब जो बेचारा काउंसिल है वो उसको थोड़ा हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है वो क्या कहता है बट सर बिगेन काउंसिल अब काउंसिल जो है वो उससे आगे बात शुरू करता है लेकिन सर यू ओनली यू ओनली वो आगे इससे बात वो आगे इससे पहले की कुछ कह पाता वो कहने वाला था कि यू ओनली इमेजिन एंड यू ट्राई टू तो डू योर बेस्ट तुमने अपना अच्छा करने की कोशिश की अब ये किस्मत की बात है कि हमें वो मॉन्स्टर नहीं मिला तो इसमें तुम या मैं क्या कर सकते हैं वो ये कहने ही वाला था लेकिन वो अपना ये पूरा सेंटेंस कर भी नहीं पाया था काउंसिल डिड नॉट हैव टाइम टू कंप्लीट हिज सेंटेंस काउंसिल जो था वो अपना सेंटेंस पूरा करने का टाइम भी उसे नहीं मिला था कि तभी क्या होता है दे हियर्ड ए बैलो उन्हें सुनाई दी ए बैलो बैलो मीस होता है एक तेज आवाज फ्रॉम द लुक आउट फ्रॉम द लुकआउट लुकआउट समझते हैं लुकआउट मीस अ प परसन हु हैज़ द ड्यूटी टू लुक आउट एट द सी एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि उसको सबसे ऊपर जो मास्त बंधा होता है जो पोल बंधा होता है उसे उसके पास रहना है और देखना है कि सामने समुद्र सही है यानी कि खाली है या नहीं कोई चट्टान वगैरह कुछ खतरा तो नहीं है उसकी ये ड्यूटी होती है उसको बोलते हैं लुकआउट यानी कि निगरानी रखने वाला देखने वाला चौकसी करने वाला तो इससे पहले कि कौंसिल जो है वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता उस सेंटेंस पूरा करने से पहले ही क्या होता है उन्हें लुकआउट की यानी कि उस निगरानी करने वाले की एक बैलो एक चीख सुनाई देती है जो कि कहाँ था इस वक्त एट द टॉप ऑफ द मास्त वो इस वक्त मास्त के मास्त यानी कि मस्तूल एक जो डंडा एक पोल बांधा जाता है जहाज के बीचों बीच बैलेंस के लिए तो इसको मास्त बोलते हैं जहाँ इसके बैठने की व्यवस्था की जाती है आउटलुक की ताकि यहाँ से बैठकर कर ये क्या कर सकें सामने समुद्र को देख सकें कि आगे कोई रुकावट या कोई खतरा तो नहीं है तो ये मास्त पर बैठा हुआ था ऊपर तो वहाँ से चिल्लाते चिल्ला रहा था ये तो इसकी चीख अचानक से ये दोनों सुनते हैं प्रोफेसर पियर एरोनेक्स भी और कौंसिल भी और क्या देखते हैं लुक आउट देयर और वो क्या कह रहा था देखो बीस्ट वो रहा जानवर वो रहा वो जीव आउट देयर वहां पर ऑफ द स्टार बोर्ड बो बोर्ड यानी कि जो जहाज का अगला हिस्सा होता है उसके बो बो में अगला हिस्सा और स्टार बोर्ड में होता है दाई तरफ तो साइड ऑफ शिप जहाज के एक तरफ राइट साइड व्हेन यू आर फेसिंग द वे इट इज मूविंग ओके तो दाई तरफ जहाज के दाई तरफ स्टार बोर्ड की तरफ बो जहाज के नोक की तरफ आगे की तरफ वो इशारा कर रहा था कि वहां देखो वो रहा वो बीस्ट अब आगे क्या होता है एवरी वन रेन टू द साइड ऑफ द शिप अब हर एक व्यक्ति जो भी जहाज़ पर मौजूद था वो दौड़कर कर जहाज के साइड में पहुंचता है एंड स्टेड आउट टू सी और वो बाहर समुद्र की तरफ घूरने लगता है समुद्र की तरफ निगरानी करने लगता है स्टेड में सोता है घूरना एक टक लगा के देखना तो वो क्या करता है समुद्र की तरफ घूर के देखना शुरू कर देता है अब आगे क्या होता है जैसे वो सब उस तरफ देखना शुरू करते हैं इट वॉज ऑन द सरफेस ऑफ द सी सभी लोग समुद्र के सरफेस की तरफ समुद्र तल की तरफ देख रहे थे और वो क्या देख रहे थे देवर सीइंग एन अनॉर्मस क्रीचर अनोर्मस मीस विशाल बहुत ही बड़ा वो एक बहुत ही बड़ा विशाल प्राणी देख रहे थे विद टू ब्लेजिंग आइज दो चमकती हुई आँखों के साथ यानी कि एक ऐसा राक्षस देख रहे थे बहुत बड़ा जीव देख रहे थे जिसकी दो चमकती हुई आँखें दिखाई दे रही थी दैट कास्ट दैट कास्ट जो डाल रही थी एन एरी एरी मिस भयानक ग्लो मिस चमक ऑन द वाटर मिस पानी पर यानी कि वो तो सामने सीधा दिखाई दे ही रहा था और उसकी जो आँखों की चमक थी वो पानी पर भी पड़ रही थी वो चमक पहले तो उसकी आंखें ही बहुत भयंकर लग रही थी और उसकी आँखों की जो चमक थी वो पानी पर गिरकर और ज़्यादा भयंकर लग रही थी तो ये खतरनाक नज़ारा हर हर व्यक्ति अपनी आँखों से देखता है हर व्यक्ति उस सी मॉस्टर उस समुद्री राक्षस को अपनी आंखों से देख ले सो स्टूडेंट दिस वॉज द सेकेंड पार्ट नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट थर्ड लाइन बाई लाइन सो प्लीज पे अटेंशन ही सो स्टूडेंट अभी तक हमने देखा कि आखिरकार एक लंबे समय के बाद उनका जो मिशन था उसमें काफ़ी समय बिता चुके थे और इस मिशन के दौरान उन्हें काफ़ी निराशा भी हुई लेकिन आखिरकार उनका सामना अब उस समुद्री राक्षस से हो चुका है अब आगे क्या होता है लेट्स सी देखते हैं द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज क्रू टू कट द इंजन अब जो कैप्टन है जो जहाज का कैप्टन है वो ऑर्डर करता है वो आदेश देता है क्रू मेंबर uh, को अपने वर्कर्स को टू कट द इंजन्स कि वो इंजन को बंद कर दे टू कट यानी कि इंजन को बंद करना कि इंजन को बंद कर दे सडनली और अचानक से द मॉन्स्टर मूव्ड टुअर्ड्स देयर शिप जो मॉन्स्टर था वो अचानक से क्या होता है मूव करता है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है देयर शिप उनके जहाज़ की तरफ अचानक से हालांकि वो अभी तक तो शांत दूर खड़ा हुआ था लेकिन अचानक से क्या होता है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत स्पीड से पानी को चीरता हुआ वो आगे बढ़ता है अब प्रोफेसर एरोनेक्स स्टेयर्ड इन अमेजमेंट प्रोफेसर एरोनेक्स जो है वो बड़ी ही हैरत अंगेज बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से स्टेयर्ड घूर रहे थे उस आ, क्रीचर को उस प्राणी को उस जीव को द क्रीचर कट थ्रो द वाटर एट सच ग्रेट स्पीड और वो जो क्रीचर था जो जीव था वो इतने ज़्यादा स्पीड से इतनी तेज़ रफ्तार से पानी को चीरते हुए आगे आ रहा था दैट हीवा श्योर कि प्रोफेसरों को, को ये विश्वास हो गया था दैट इट वुड रैम इन टू शिप कि वो उनके जहाज़ के अंदर घुस जाएगा यानी कि चीरता हुआ उसे अंदर घुस जाएगा इतनी स्पीड से वो आगे आ रहा था बट इट स्टॉप्ड सम डिस्टेंस अवे लेकिन वो जो जीव है वो कुछ दूरी पर ही रुक गया फ्रॉम द शिप जहाज से बिफोर डाइविंग डाउन जहाज से कुछ पहले ही कुछ दूर पहले कुछ दूर ही कुछ दूरी पर ही वो रुक जाता है एंड डाइविंग डाउन और वो नीचे डुबकी लगाता है बीनीथ द वेव्स लहरों के नीचे यानी कि समुद्र जहाज़ के पास आता है बहुत स्पीड के साथ अचानक से रुकता है और नीचे डुबकी लगा लेता है और डुबकी लगाने के बाद वो रीअपियर रीअपियर यानी कि दोबारा दिखाई देता है ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ यानी कि एक साइड से दूसरी साइड वो डुबकी लगा के जाता है द क्रीचर दैन बिगेन टू मूव अब जो क्रीचर था जो वो जीव था वो मूव करना आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वहाँ से दूर जाने लगता है फ्रॉम द शिप उस जहाज से दूर जाने लगता है द कैप्टन नाउ ऑर्डर्ड हिज मैन टू गो इन परस्यूट अब जो कैप्टन है वो अपने आदमियों को आदेश देता है टू गो इन परस्यूट कि उसका पीछा करें उसके पीछे पीछे जाएं। ऑल नाइट द चेस्ड द क्रीचर पूरी रात वो उस क्रीचर को चेस करते रहे उसका पीछा करते रहे उससे रेस लगाते रहे बट द मॉन्स्टर ऑलवेज स्टेड आउट ऑफ रीच लेकिन जो मॉन्स्टर था जो वो राक्षस था वो उनकी पकड़ से हमेशा दूर ही रहा यानी कि वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था वो बड़ी स्पीड से जा रहा था जहाज़ काफ़ी स्पीड से उन्होंने चलाया लेकिन उसके बावजूद जहाज़ जो है वो क्या कर रहा था वो उससे पीछे ही रहा वो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था वैन मॉर्निंग ब्रोक जब सुबह हुई देसा उन्होंने देखा दैट द क्रीचर हैड स्टॉप्ड कि जो क्रीचर है वो रुक गया है एंड ले मोशन लेस और वो बिल्कुल आ, निश्चल पड़ा हुआ है मोशन लेस यानि कि निश्चल यानि कि बिना कोई हलचल किए बिना कोई हरकत किए वो पड़ा हुआ है इन द वाटर पानी में ऐसा लग रहा है जैसे वो मर गया हो द शिप स्लोली अप्रोच जो जहाज है वो धीरे धीरे बहुत ही आराम से उसके अप्रोच पहुंचता है द क्रीचर उस प्राणी के पास डस्पाइट द रिस्क हालांकि इसमें बड़ा जोखिम था जोखिम के बावजूद जो जहाज़ है वो उस क्रीचर के पास पहुंचता है एवरी वन हेल्ड देर ब्रैथ हर एक ने अपनी सांसें रोक ली थी क्योंकि बहुत ही डर लग रहा था सभी को बड़े ही ख़तरनाक सिचुएशन सामने थी एज द शिप क्रैप्ट क्लोजर And closer. जैसे ही जो जहाज था वह उसके करीब और करीब जा रहा था टू दीब जा रहा था द्रू रेडी रेडाइड रेडी इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रेडी रेडाइड यानी कि उन्होंने तैयार किया द क्रू मेम्बर रेडाइड अज हार्पन एक शार्प एक तेज हार्पन एक नुकीला तीर एक तेज नुकीला तीर उन्होंने तैयार किया टू थ्रो फेंकने के लिए एट द बीस्ट उस बीस्ट पर उस जीव पर फेंकने के लिए ताकि वो उस नुकीले तीर को आ, वो नुकीला तीर उस जीव में घुस जाए और वो उसको पकड़कर किनारे पर ले अब क्या होता है नाउ क्राइड द कैप्टन अब कैप्टन इशारा करता है कि अब फेंको द हार्पन शूट जो नुकीला तीर था उसको छोड़ा जाता है नुकीले तीर को इनटू द एयर हवा में एंड लैंडिड ऑन द क्रीचर और वो लैंड होता है क्रीचर पर यानी कि वो उस जीव पर जाकर लगता है गिरता है विद ए थर्ड एक धड़ाम की आवाज़ से इट वॉज एज इफ इट हैड स्ट्रक समथिंग हार्ड और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी जीव पर नहीं बल्कि किसी हार्ड चीज़ पर जाकर लगाओ जैसे किसी पत्थर पर या किसी चट्टान पर या किसी लोहे की चीज़ पर जाकर लगाओ यानी कि उसकी जो ऊपर का जो लेयर थी उस जीव की वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी उसके अंदर वो तीर घुसा ही ना घुसा ही नहीं ऐसा लग रहा था तो ये बड़ी ही सरप्राइजिंग बात थी कि तीर उसके अंदर पता नहीं घुसा था या नहीं घुसा था।, था लेकिन एक थड़ की आवाज़ एक टकराने की आवाज़ हुई जब वो तीर उस पर जाकर लैंड हुआ जब उस पर जाकर वो लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हार्ड चीज़ पर टकराया हो तो ये बड़ी ही अजीब बात थी जो वहाँ हो रही थी एक बड़ा ही ख़तरनाक मोमेंट था जो उस वक्त घटित हो रहा था सो so, वो तीर जाकर उस पर लगता है या नहीं लगता और आगे क्या होता है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज़ द एंड ऑफ पार्ट थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन द फोर्थ पार्ट टिल देन स्टे एट होम बी सेफ थैंक यू हैवे नाइस डे